तो कितने लोगों का आया? 64,000 फाइनली। चलो इस बारे में हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे, जो भी हुआ इसे हाथ से समझ के भूल जाओ। चलो देखो यहाँ पे, चुप रहो। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख। सुन लो अगला क्वेश्चन और इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट। ये कठिन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। तुम तो इस पे लिख दो एक्सपेक्टेड, इस बार तो लग रहा है कि आ भी सकता है, क्योंकि AS10 में जैसे जैसे क्वेश्चन होने थे वो पिछली बार ही पूछ लिए उन्होंने। अब ये बच्चा, या फिर क्या करेंगे, वो एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को चेंज करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो ऐसा संभावना है। अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज ब्रॉट इन 2016, इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ इज 50 ईयर। हाउएवर द कंपनी कंसिडर्ड लाइक दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर क्या होगी? पहला केस है कि 10 लाख की रेसिडुअल वैल्यू बच जाएगी, 10 लाख की खरीदी 10 लाख बच जाएगी। क्वेश्चन पूछा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएबल अमाउंट है ही नहीं। अगले केस में अगर 9 लाख स्क्रैप बचेगी तो हाँ, 1 लाख डिवाइड बाय 20। कभी याद ना आए तो 5 हजार लिख देना रैंडम लेते। नाइनटीन ए पर लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये 7 का है, बाद में डिस्कस कर पाएंगे। और AS9 का जो क्वेश्चन है उस पर क्रॉस कर दो, रिपीट हो रहा है वो। देखो ये दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेलिटी है ना, ये रिपीट हो रहा है, काट दो इसको। ऐसे काटो, एक एक अक्षर दिखाई ना दे, कुछ भी पता ना चले तुम्हें तो लिखा क्या था इसके पहले यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है AS10 का। एक क्वेश्चन, जब पहली बार AS10 आया था ना, तो सप्लीमेंट्री बुक छप के आती है ना, वो सप्लीमेंट्री और AS10, उसमें ये एग्जाम्पल था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। एंटिटी हेलो हैज एन एग्जिस्टिंग थ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विद इंटेंट टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। उनके पास एक जर्जर हालत में फैक्ट्री है जिसे वो नॉक डाउन करना चाहते हैं और फिर से क्या करना चाहते हैं, रीडेवलप करना चाहते हैं। यानी इस फैक्ट्री बिल्डिंग को गिरा के वो दूसरी बिल्डिंग बनाएंगे। ड्यूरिंग दी रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनादर टेम्पररी साइट। क्वेश्चन को समझाते जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। एक फैक्ट्री है, ठीक है, कुछ भी हो मुझसे ऐसे बनता है, ये थोड़ा जर्जर हालत में है लग रही होगी तुम्हें, तो ये गिराना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसकी जगह वो अच्छी फैक्ट्री बनाएंगे, ठीक है, इसी की जगह बनाएंगे। सुन लो, इस वजह से क्या हो रहा है, उन्होंने यहाँ पर जो प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल थे उनको रिमूव करके कहीं और ले गए जब तक कि यहाँ फैक्ट्री तैयार ना हो जाए। और ये यहाँ एक टेम्प्रेरी साइट, ठीक है, उन्होंने छप्पर लगाया हुआ है, ठीक है। अरे उन्होंने पूछा दोपहर, तो ये फैक्ट्री तोड़ना है वो, यहाँ दूसरी फैक्ट्री आएंगे। इस पर्पज से उन्होंने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी को यहाँ से रिमूव करा और कहाँ ले गए, दूसरी टेम्प्रेरी साइट पर ले गए। शांत रहना, मैं किसी से आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। एंटिटी हेलो हैज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनादर टेम्प्रेरी साइट। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल मशीन इन न्यू लोकेशन। जब मशीन को आप न्यू लोकेशन पर ले जाओगे तो प्लांट एंड मशीनरी पर कितना खर्चा आएगा, 5 लाख का इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, सेटअप कॉस्ट आएगा, ठीक है। और रेंट लगेगा 15 लाख। नहीं, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जो टेम्पररी साइट है उसका आपको 15 लाख का किराया भी लगेगा। रिमूवल कॉस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीन फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू टेम्पररी लोकेशन। और जो यहाँ फ्रेट का चार्ज लग जाएगा आपको वो भी लग जाएगा, कितना है? चलो कोई सही अमाउंट बता दो। बहुत बढ़िया, सारे एक्स्ट्रा ही मैं यूज नहीं कर रहा, पता नहीं कौन इनके वहां।
इंक है वहां पे, ये ले लो तुम, क्या बताया है कि नहीं है। हाँ देखो देखो देखो, अरे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ऐसे प्रॉपर्टी, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, तो एक्स्ट्रा समझ में आ गया होगा मुझे जैसा लग रहा है। तो देखें तीन खर्चे हुए हैं, मशीन को यहाँ से वहाँ ले जाने का, मशीन को वहाँ इंस्टॉल करने का, और वहाँ का टेम्परेरी रेंट। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज कैन दीज कॉस्ट बी कैपिटलाइज इनटू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, क्या ये नई बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ेंगे, क्या बिल्डिंग बनाने के लिए मशीन को हटाना तो जरूरी था, उतने दूर ले जाना जरूरी नहीं था। ठीक है, अरे बात समझ में, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का नेसेसरी खर्चा नहीं है, आप मशीन को निकाल के जरा से दूरी पर रखकर भी बिल्डिंग को तैयार कर सकते थे, तो आप जो खर्चा कर रहे हैं वो बिल्डिंग बनने के लिए जरूरी नहीं है, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होंगे। अगर वो पूछते कि आप मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज होंगे, मान लो यही मशीन हमने 100 लाख में खरीदी होती, अब यहाँ लगाई, फिर यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले गए, फिर इंस्टॉल करा, तो ये सब देखो, एक बार एसेट रेडी टू यूज हो जाए, क्या एसेट रेडी टू यूज था, उसके बाद केवल वही खर्चे कैपिटलाइज होते हैं जो उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी या कैपेसिटी को बढ़ा दें। वो यहाँ लगा था, चल रहा था, वहां ले गए, वहां भी चल रहा है, ठीक है, चल ही रहा है, वो तो रास्ते में चलते ही गया, तो कैपिटलाइज होगा क्या, खर्चा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओके, कैसा रिलोकेशन का खर्चा कभी कैपिटलाइज नहीं होता। ठीक है, जब भी आप एसेट को या इन्वेंट्री को एक जगह से उठाते हैं या प्लांट मशीनरी को उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं, तो रिलोकेशन का खर्चा होता है, वो सब कैपिटलाइज नहीं होता। एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, वहां तुम्हारी डिमांड ज्यादा है या मशीन की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें ये देखना है कि मशीन की कैपेसिटी बढ़ रही है क्या या कस्टमर ज्यादा है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या क्षमता बढ़ गई है, दोनों बातों में अंतर है, या कस्टमर नहीं है तुम कम प्रोड्यूस करते हो, वहां कस्टमर ज्यादा है तुम ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, तो क्षमता नहीं बढ़ी, मशीन की क्षमता नहीं बढ़ी, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ गया है, वो कैपिटलाइज नहीं हो। देखिए एक एक क्वेश्चन उसके बेस पे, एक क्वेश्चन सीए फाइनल में आया था, मैं बता देता हूँ, एक मशीन को इंस्टॉल करा गया था यहाँ पे, ठीक है, तुमने ऐसी मशीन देखी जिनमें बेल्ट वेल्ट लगे रहते हैं फिर वो घूमती है, मान लो उसका मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, मशीन यहाँ पे इंस्टॉल है और मशीन चल रही है, ठीक है, जो भी है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और जो डिफरेंस है बेल्ट का और मोटर का वो इतना ज़्यादा है कि राउंड कम हो रहे हैं, अब जितना बड़ा बेल्ट का साइज कर लोगे राउंड उतने कम हो जाए, स्कूटी तेज क्यों चलती है, समझ, अब देखो, तो तुमने इसको हटा के क्या किया, इसको पास लगा दिया, इससे मशीन के राउंड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऐसे खर्चों को क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज करेंगे। तो अगर तुमने ऐसा रिलोकेट कराया एसेट को कि उसकी कैपेसिटी या वर्किंग एक्सपेंस क्या हो गए, वर्किंग एक्सपेंस कम हो गए या कैपेसिटी बढ़ गई, तो वो कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज आप वैसा मूवमेंट करते हैं तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, और देखें AS 13 का एक क्वेश्चन है, इसमें 10 हम कर चुके हैं, 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक ग्रुप 2 में पूछा जाना चाहिए था, ग्रुप 1 में पूछा गया है लेकिन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसमें एक दो बातें हैं जो ग्रुप 2 के हिसाब से हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जेड बैंक हैज क्लासिफाइड इट्स टोटल इन्वेस्टमेंट, सुन लो बाद में जाएगा, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 31 मार्च 2016 को इनटू कैटेगरी ए हेल्ड टू मैच्योरिटी, उनके इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना समझ में आ जाता है, देखो जब भी तुम्हें लगे ना क्वेश्चन अजीब सा है, आप पूरा पढ़ना, क्वेश्चन नीचे अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, तुम्हें जो बात समझ में नहीं आई क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेन कर रहा होगा, आपको वहां तक क्या करना है, वेट कर, ठीक है, तो जेड बैंक हैज क्लासिफाइड इट्स इन्वेस्टमेंट इंटू 3 कैटेगरी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब हम इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं जिन्हें हम मैच्योरिटी तक रखेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, अवेलेबल फॉर सेल बेचने के, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल का मतलब समझते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग
ट्रेडिंग मतलब मैंने खरीदा ही बेचने के लिए, मतलब मैं ये मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। और अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला नहीं हूँ, अवेलेबल है, जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी मैं इसको बेचूंगा। मैं व्यापारी नहीं हूँ लेकिन मैं रखे हुए हूँ बेचने के लिए, मतलब मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट है। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं इसी चीज का काम करता हूँ, मेरा काम ही यही है। तो बैंक सब, बैंक कुछ इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखता है, कुछ अवेलेबल सेल और कुछ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। बैंक इन्वेस्टमेंट का बहुत मेजर काम करता है ठीक है। जो हेल्ड टू मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट एक्विजिशन कॉस्ट, उनको किस पे दिखाया जाता है, एक्विजिशन कॉस्ट लेस अमोर्टाइज अमाउंट। अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है इन्वेस्टमेंट पे, भी डेप्रिसिएशन लगता है जैसे डिक्लाइन हुआ था जैसा, तो अमोर्टाइजेशन हो गया। तो बोला कि जो हेल्ड टू मेच्योरिटी है इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट एक्विजिशन कॉस्ट, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट आर कैरीड एट मार्क टू मार्केट, मतलब मार्केट वैल्यू पे दिखाते हैं अपन, मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट प्राइस पे शो करना। और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट वीकली इंटरवल्स एट मार्केट रेट, और जो ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं वो भी हम मार्केट रेट पे दिखाते हैं। नेट डेप्रिसिएशन इफ एनी इज चार्ज टू रेवेन्यू एंड नेट एप्रिसिएशन इफ एनी इज इग्नोर्ड। वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है, डिक्लाइन होता है तो हम पी एंड एल में डालते हैं, लेकिन अगर कोई एप्रिसिएशन होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन समझ लो तुम तो, कि एक बैंक है, तीन कैटेगरी में इन्वेस्ट है, मैच्योरिटी वाले जो इन्वेस्टमेंट है उनको उस पर दिखाते, बाकी मार्क टू मार्केट ठीक है। कुछ को डेली मार्क टू मार्केट करता है, कुछ को वीकली मार्क टू मार्केट करता है। जो वैल्यू बढ़ती है तो इग्नोर करता है, वैल्यू घटती है तो कमेंट वेदर द पॉलिसी बैंक इन अकॉर्डेंस विद AS 13। फिर से, जेड बैंक एज क्लासिफाइड इज टोटल इन्वेस्टमेंट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से क्लासिफाई कर रखा है ठीक है। उन्होंने ये पूछा कि क्या वेदर द पॉलिसी ऑफ बैंक इज इन अकॉर्डेंस विद AS 13, क्या वो AS 13 को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पर AS लगता नहीं, बैंक पर AS 13 नहीं लगता। बैंक के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके हिसाब से बनता है, उस पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता। ये अलग बात है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी शेड्यूल 3 ही है जो फॉर्मेट बताता है, लेकिन उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो शेड्यूल 3 वो बताता है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के अलग से बनते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट कैसे दिखाए जाएंगे ये बात आरबीआई डिसाइड करेगी, AS अप्लाई नहीं हो। AS जनरल पर्पज है और बैंक पर आरबीआई के नॉर्म्स स्पेसिफिक है, तो जहां स्पेसिफिक और जनरल बात हो कौन सी अप्लाई होगी, स्पेसिफिक बात अप्लाई हो। तो जो आरबीआई बोलती है बैंक्स को कि आपको इन्वेस्टमेंट तीन कैटेगरी में दिखाने पड़ेंगे, सब ग्रुप 2 में पढ़ोगे तुम ठीक है, तो तीन कैटेगरी में दिखाने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने दिखाए हैं। और कैसे वैल्यूएशन करा जाता है, मार्क टू मार्केट किया जाता है अवेलेबल फॉर सेल और ट्रेडिंग वालों को, और जो मैच्योरिटी वाले हैं उनको कॉस्ट पर दिखाया जाता है, तो उन्होंने दिखाया। तो हम इसको लिखेंगे, लिख लो तुम कि बैंक पर AS 13 अप्लाई ही नहीं होता, तो पता कि AS 13 के हिसाब से काम किया गया है या नहीं। तो अगर हमें इसका आंसर पता है क्वेश्चन से, हमें कुछ बताना, हमें क्या बताना है कि बैंक पर AS 13 अप्लाई नहीं होता है ना, बस बैंक आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन करे, AS से कुछ मतलब नहीं। तो प्रॉपर आंसर बोल देता हूं कि बैंक इंश्योरेंस पर AS 13 अप्लाई नहीं होता, उनके इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हैं तो वो प्रॉपर माने जाएंगे, AS 13 का कोई भी ब्रीच नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है। तो यही बोल रहा हूं कि बस एक बार आंसर हमें थोड़ा सा पता हो, इन सब बातों से फर्क करते हुए आते हैं ठीक है। तुम परेशान मत होना, कोई चीज समझ में नहीं आती तो परेशान मत होना, ऐसा मानना ही कुछ ना कुछ बता दें। तरुण बैटरी चार्ज पे लगी है ना, इट इज
हो सकती है। एक भी नंबर 16 कर लेते हैं तो होने हैं, क्या है? देखते हैं यार कितनी जल्दी कर, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। अरे सुनो, देखो टू बी पार्ट है वो काट दो, दे ही दो, ये खराब हो गई। हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे इसको करने में और देखना है कितने जल्दी हो जाएगा। AS1 में लिखा है, जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। ओम लिमिटेड परचेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर फॉर एग ए, इसमें लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ ओम, तुम्हें ब्रेक चाहिए ना, तो ये जल्दी करना है। ओम लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क अंडर अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट विच इट रिसीव्स फुल पेमेंट एंड नेसेसरी डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर CST एक्ट टू बी पास्ड ऑन टू द सप्लायर। फिर से बताना क्वेश्चन का मतलब क्या है और लापरवाही मत करना, ठीक है? ओम लिमिटेड परचेज कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, तो कोई ओम लिमिटेड करके हैं, ठीक है, उनके कस्टमर हैं, उनके लिए वो क्या कर रहा है, मार्केट से गुड्स लाता है। सो ओम लिमिटेड परचेजेस गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट विच इट रिसीव्स फुल पेमेंट, जितना ही पैसा लगता है वो दे देते। जैसे मान लो हमने बोला तुम हमारा मकान बना दो, ठीक है, मकान बनाने का काम दिया हमने, मकान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया पूरा, केवल कंस्ट्रक्शन का काम दिया हमने किसी को, ठीक है, और बात हो गई 10 लाख में हम तुम्हारा मकान बना देंगे। अब सीमेंट की जरूरत पड़ रही अपन ले आए, कुछ और सामान की जरूरत पड़ रही, तो हमने कहा तुम देख लेना, अगर तुम्हें मकान हो तुम सामान लाना बता देना कितना पेमेंट हो रहा है, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। होता ना ऐसा, कोई अपने काम करा तो मैंने बोला ठीक है तुम सामान तुम ही लेते आना। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भाई को बोला था कि आप ही सब्जी लाया करो, पर 2-3 दिन सब्जी का स्वाद अजीब सा लगा, मुझे सड़े टमाटर डाल दिए दोनों। तो यहाँ पर ना उसको बोल रखा कि तुम ही क्या कर लेना सामान लेके आना, ठीक है, तो वो कस्टमर के बिहाफ से क्या करता है सामान लेके आते हैं। समझ गए बात को, बहुत जरूरी है ये बात समझना। और उसके पहले उन्हें पूरा पेमेंट भी मिल जाता है एंड नेसेसरी डिक्लेरेशन भी फॉर्म भी मिलता है CST के तहत। CST में बिल बनाते होंगे वो कस्टमर के नाम पे, और वो CST पे करा है, आपको वो फॉर्म मिलता होगा, आप अपने कस्टमर को देते होंगे कि देखो CST पे करा है, क्रेडिट ले सकते हो तो ले लो। द कंपनी ओम लिमिटेड फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग द सेम एज इट्स परचेज एंड अकॉर्डिंगली डेबिट टू इट्स P&L अकाउंट। गिव योर व्यू ऑन द अबव। कंपनी क्या कर रही है, कौन है कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, इस माल को परचेज दिखा रहे हैं और P&L में डाल रहे हैं। तो उनसे पूछा गया क्या करें, उससे बड़ी बात ही कौन सी है इसका क्वेश्चन है, सीरियसली समझ रहे हो तुम? अगर हेडिंग ना हो तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी है इसका क्वेश्चन है, तुम्हें तो पहले सोचना है कि बाकी कौन से AS का है, नहीं है तो AS1 का है, ऐसे ही हो पा रहे। तो और मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सा बोला गया, फिर मैं समझाता हूँ। तो मैं बेसिक ही समझना है कि नहीं समझ में आ रहा कहीं का है, तो थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा एक्टिवली दिमाग लगाना कि क्या AS1 में कहीं आ रहा है ऐसा। तो चलो बताओ पहले तो ट्रीटमेंट सही हुआ या नहीं, सही हुआ या नहीं, क्या गलत हुआ? उन्होंने पर्चे दिखा दी तो क्या गलत किया उन्होंने, नहीं दिखानी चाहिए, क्यों नहीं दिखानी चाहिए,
बोलो बोलो, तुम्हारा आंसर तुम खुद पहुंच जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना। क्यों नहीं दिखाने चाहिए परचेज? क्योंकि तुम किसी और के लिए ला रहे हो, मतलब तुमने अपने लिए परचेज किया ही नहीं है तो परचेज क्यों दिखा रहे हो? भले तुमने परचेज किया है लेकिन तुमने अपने लिए परचेज नहीं किया है तो बिल भी तुम्हारे नाम पे बना होगा, तो भी भूल जाओ, सब्सटेंस ओवर फॉर्म जाओ। सब्सटेंस ये है कि तुम केवल एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। कस्टमर के को माल खरीदना था, उसने तुमसे बोला कि तुम ले आओगे क्या, पैसे दे देंगे, तुमने बोला ठीक है हम ले आएंगे, तो तुम अपने लिए गुड्स परचेज नहीं कर रहे हो, उन गुड्स पर तुम्हारी ओनरशिप भी नहीं है। आ रही बात समझ में? ना तुम्हारा कोई रिस्क, ना तुम्हारा कोई रिवार्ड, बस तुम क्या कर रहे हो, एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म जाओ और ध्यान रखो कि ये परचेज तुम्हारी नहीं है, इसको तुम रिकॉग्नाइज मत करो, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या जाएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो कौन से एस डील कर रहा है? एएस वन से डील कर रहा है। मैं आंसर बताता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, पढ़ करके सुन लो। उन्होंने बोला कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से आपको इकोनॉमिक रियलिटी देखनी चाहिए ट्रांजेक्शन की। फॉर्म इग्नोर कर दो, कौन खरीदा है, कैसे खरीदा है, वो सब इग्नोर करो, सब्सटेंस क्या है उसका, इकोनॉमिक रियलिटी क्या है वो देखो। इस केस में दो ओपिनियन बन सकते हैं। पहला कि आप प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप एजेंट के रूप में ही काम कर रहे हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है साहब साहब, तो आप जो परचेज कर रहे हैं वो आपके लिए परचेज नहीं कर रहे हैं, उस स्टॉक पर आपकी ओनरशिप नहीं है, तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? उस हिसाब से जो इन्होंने